गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, काना गार्डन में आपका स्वागत है। और आज आप समझ ही गए होंगे, मानसून में जो कि प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, तो आज मेरे गार्डन में भी सारे प्लांट्स जो कि का बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। मेरा गार्डन आज इसका नाम मैंने काना गार्डन दिया हुआ है, आजकल बहुत खूबसूरत हो रहा है, सारे प्लांट्स बहुत बड़े और बहुत खूबसूरत हो रहे हैं। अभी मैं आपको जो प्लांट दिखा रही हूँ, ये मेरा बेगम बहार का प्लांट है और जो कि काफ़ी सुंदर हो रहा है। गर्मियों में इसको बचाना मुश्किल था, बट अभी सभी प्लांट्स बहुत सुंदर हो रहे हैं। मेरे सारे ही प्लांट्स को मैंने कट करके थोड़ा शॉर्ट भी किया हुआ था, पेंडेंस भी सुंदर हो रहा है और सारे ही प्लांट्स ब्लूम भी कर रहे हैं। रोज़ेस में भी काफ़ी फ्लावरिंग हो रही है। ये ऑरेंज रोज़ है जो अभी बहुत फ्लावरिंग कर रहा है। नीचे से पत्तियां बहुत ख़राब हो रही हैं बारिशों में, ये तो होता ही है कि प्लांट्स में लीव्स जो हैं वो हैवी रेन से धीरे धीरे ख़राब होने लगती हैं, तब मुझे उन्हें कट करना पड़ता है। मेरी अलमंडा भी फुला फ्लावर है, ये ड्रॉप वैरायटी अलमंडा की है जो कि बिल्कुल भरी हुई रहती है फ्लावर से, ये मैंने आज तोड़ दिए हैं, पर अभी बर्ड्स बहुत हैं इसमें, रोज़ इसमें बहुत ढेरों फूल होते हैं। यही रोज़ेस का हाल है, ये वाले रोज़ेस भी बहुत ब्लूम कर रहे हैं, सारे ही रोज़ेस ब्लूम कर रहे हैं पर मैंने कट करके शॉर्ट कर रखे हैं। ये देखिए मेरा केली का प्लांट है, इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है जो कि छुपा हुआ है काफ़ी प्लांट्स की आड़ में, तो बहुत कलर भी अच्छा हो रहा है इसका। धूप में तो ये प्लांट्स थोड़ा जड़े जले से हो जाते हैं, बट अभी बहुत सुंदर हो रहे हैं सब। एक अलग ही रंगत होती है प्लांट्स की इस समय जब रेन्स हो रही होती हैं और लगातार बारिश हो रही है। अभी दो दिन से लगातार बारिश हो रही है यहाँ पे, तो एक अलग ही समा है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं एक छोटे से जंगल में खड़ी हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसे में बोगनविला में भी कुछ फ्लावर्स आने लगे हैं, हालांकि मानसून में बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ग्रीन हो जाती है, लीव्स आ जाती हैं ढेर सारी, बट फ्लावरिंग नहीं होती है बोगनविला में, बट अभी हो रही है इसमें, इस वाले बोगनविला में हो रही है। सारी बाकी बोगनविला मेरी सब ग्रीन हो रही है, पर इधर वाले में भी हो रही है। और भी सारे प्लांट्स बहुत सुंदर हो रहे हैं, देखिए सारे ही प्लांट्स की एक अलग ही छटा होती है। आप सब महसूस करते ही होंगे, मेरे गार्डनर दोस्त सभी को मानसून में अपने प्लांट्स को देखना पसंद होता है, तो वैसा ही मेरा भी हाल है। कोलियस देखिए कितना सुंदर हो रहा है और मैं इसको दिखाते हुए आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।